हेलो स्टूडेंट, आज के लिए अपना जो नया फैक्ट है वो क्या है कि यदि शरीर से पित्ताशय को निकाल दिया जाए, यानी गाल ब्लैडर को यदि शरीर से निकाल दिया जाए तो बॉडी के ऊपर इसके क्या इफेक्ट हैं। ठीक है, गाल ब्लैडर क्या है, जिसको अपने पित्ताशय बोलते हैं, पित्ताशय को बॉडी से निकाल दिया जाए तो इसके शरीर के ऊपर क्या इफेक्ट है। पहली बात तो अपने को ये पता होना चाहिए कि बॉडी के अंदर गाल ब्लैडर, जिसको अपने पित्ताशय बोलते हैं, उसका काम क्या है। गाल ब्लैडर या बॉडी के अंदर पित्ताशय का काम होता है अपनी बॉडी के अंदर जो बिलिरुबिन और बिलुवर्डिन बनता है। बिलिरुबिन और बिलुवर्डिन का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, लीवर के द्वारा किया जाता है। सर कैसे बनते हैं, आपको मैंने रक्त पढ़ाया होगा या जैसे भी आपने रक्त पढ़ा है तो रक्त के अंदर देखा होगा कि जैसे ही रक्त का जीवन काल जो है, यानी आरबीसी का जीवन काल जो है 120 दिन है, 120 दिन का जीवन काल जब आरबीसी पूरा कर लेगी, 120 दिन का जीवन काल जब आरबीसी पूरा कर लेगी तो हीमोग्लोबिन को भेजा जाता है लीवर के अंदर। और लीवर जो है वो हीमोग्लोबिन से दो प्रकार के पित्त वर्णक बनाता है। लीवर क्या करता है, दो प्रकार के पित्त वर्णक बनाता है जिसको बोलते हैं बिलुरुबिन और इसको बोल दूसरे को बोलते हैं बिलुवर्डिन। दूसरे को क्या बोलते हैं, बिलुवर्डिन या बिलुवर्डिन, एक ही बात है। दो प्रकार के पित्त वर्णक बनाए जाते हैं, बिलुरुबिन और बिलुवर्डिन। किसके द्वारा बनाए जाते हैं, लीवर के द्वारा बनाए जाते हैं। ये बिलुरुबिन और बिलुवर्डिन जो होते हैं वसा के पाचन में, यानी इम्लेशीकरण के अंदर भूमिका निभाते हैं। और दूसरा काम क्या है कि ये दोनों कैसे होते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। ये दोनों कैसे होते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, यानी जो भी पित्ताशय के अंदर वर्णक स्टोर किया जाएगा, पित्त रस को स्टोर किया जाएगा, किसको स्टोर किया जाएगा, पित्त रस को, यानी पित्त रस को स्टोर किया जाएगा किसके अंदर, पित्ताशय के अंदर। और पित्त रस का निर्माण किसने किया है, लीवर ने किया है। लीवर ने जैसे ही पित्त रस बनाया और पित्त रस का स्टोर कहाँ पे होगा, गाल ब्लैडर यानी पित्ताशय के अंदर होगा। अब मान लो किसी के पित्ताशय के अंदर पथरी है और पथरी का ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, ऑपरेशन के कारण अगर पित्ताशय को निकाल दिया जाए तो बॉडी के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। आज का अपना जो फैक्ट है वो यही है। अगर मान लो अपने पित्ताशय के अंदर क्या स्टोर हो रहा है, पित्त रस स्टोर हो रहा है, इसकी प्रवृत्ति कैसी है, क्षारीय प्रवृत्ति है। इसकी कैसी प्रवृत्ति है, क्षारीय, यानी बेस प्रकृति का है। अगर अपने को पता है कि अपना भोजन जो है उसका पाचन होने के लिए अपने अमाशय के अंदर क्या आता है, HCl आता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पर मैं एक फैक्ट बना चुका हूँ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक इतना घातक रसायन है जो क्या कर सकता है, किसी लकड़ी या किसी हड्डी को भी गला सकता है, ठीक है। तो एसिडिक प्रकृति हो जाएगी किसके अंदर, भोजन आया ऊपर से, ठीक है, अमाशय के अंदर, और अमाशय के अंदर जो भी भोजन आया उसका पाचन हो गया, गल गया भोजन, ठीक है, तो वो कैसा हो गया, अम्लीय, यानी एसिडिक प्रकृति का हो गया, अम्लीय प्रवृत्ति का हो गया। अब जैसे ये भोजन यहाँ से अमाशय से बाहर निकल के किस में जाएगा, छोटी आंत के अंदर जाएगा, इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा। तो इंटेस्टाइन के अंदर प्रवेश करने से पहले यहाँ पे देखो क्या लगी हुई है, पित्ताशय डक्ट लगी हुई है। पित्ताशय में जो भी पित्त रस स्टोर है, जो क्षारीय प्रकृति का है, वो क्षारीय प्रवृत्ति का पित्त रस किसमें जा रहा है, छोटी आंत के, जैसे यहाँ से अमाशय से निकल रहा है भोजन, उसको जाके क्या कर रहा है, उदासीन कर रहा है। क्या कर रहा है, उदासीन कर रहा है, बोले तो न्यूट्रल कर रहा है, यानी एसिडिक भोजन को पित्त रस जो है वो क्या कर रहा है, न्यूट्रल कर रहा है। अब देखो अगर किसी का पित्त रस पित्ताशय निकाल दिया जाए, तो बना कौन रहा है, लीवर बना रहा है। तो जैसे जैसे बनता रहेगा वैसे वैसे नॉर्मल कंडीशन के अंदर चलता रहेगा। जो भी अपने फूड मटेरियल खा रहे हैं वो रेगुलर तो नहीं खा रहे, एक सीमित टाइम पर खा रहे हैं। तो मान लो अपने रेगुलर नहीं खा रहे तो लीवर जो है वो जैसे जैसे पित्तरस का निर्माण करता जाएगा और पित्तरस जो है वो क्या हो जाएगा, छोटी आंत के अंदर बहता चला जाएगा। जैसे अपने भोजन खाएंगे तो भोजन का पूरी तरह से यहाँ पे HCl मिलने के बाद में एसिडिक प्रवृत्ति का हो जाएगा, और एसिडिक प्रवृत्ति का होने के बाद में भोजन जो है वो एसिडिक प्रकृति का ही कैसा चला जाएगा, छोटी आंत के अंदर चली जाएगा। तो इसके बहुत सारे बॉडी के ऊपर इफेक्ट हो सकते हैं, हो सकता है HCl की मात्रा ज़्यादा रही हो और ऊपर से जो पित्तरस है वो कम मात्रा में आ रहा हो, क्योंकि धीरे धीरे ये तो सब्सटेंस गायब होता जा रहा है, धीरे धीरे ये तो निकलता जाएगा, क्योंकि स्टोर करने के लिए पित्ताशय तो है नहीं, पित्ताशय को तो ऑपरेशन से निकाल दिया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा, बॉडी के अंदर हो सकता है अल्सर बन जाए, आंत के अंदर अल्सर बन जाए, तरह तरह की जो है वो कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। तो वैसे इफेक्ट कोई ज़्यादा नहीं पड़ता है, ठीक है, पित्ताशय को निकालने से इफेक्ट कोई ज़्यादा नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी बॉडी जो है वो कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि अपनी बॉडी के अंदर जो भी ज़्यादा मात्रा में सब्सटेंस चाहिए वो कैसे चाहिए, क्षारीय प्रकृति के चाहिए। अपनी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर 80% तक क्या पदार्थ चाहिए, क्षारीय पदार्थ चाहिए, यानी ब्लड भी कैसा है, हल्का क्षारीय है। एसिडिक प्रकृति तो कितनी चाहिए, ब्लड के अंदर 20% चाहिए, ठीक है। तो अपने अंदर एसिडिक प्रवृत्ति बढ़ जाएगी तो हो सकता है अपनी कोशिकाओं से एल्कलाइन, यानी जो क्षारीय प्रकृति के जो बेस हैं वो बाहर आ जाएं, वो बाहर आने से क्या होगा, अपनी कोशिकाएं नाजुक हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, और व्यक्ति के अंदर तरह तरह के लक्षण देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या कर सकते हैं, अगर किसी का पित्ताशय निकाल दिया गया हो तो अपने क्या कर सकते हैं, जो भी जैसे तीखे या कड़वे पदार्थ होते हैं उनका सेवन कर सकते हैं, ताकि अपने भोजन के अंदर एसिडिक प्रकृति जो है वो ज़्यादा ना जाए। अगर भोजन के अंदर एसिडिक प्रकृति नहीं जाएगी तो HCl जाएगा, उस HCl का स्त्रवण कम होगा, और HCl का स्त्रवण कम होगा तो क्या होगा, भोजन जो है वो न्यूट्रल रहेगा, अम्लीय ज़्यादा नहीं होगा।
तो थोड़ा सा लाइफ साइकिल चलाने में आसानी रह सकती है, बाकी इसका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और बॉडी के अंदर घाव देखने को मिल सकते हैं, तरह तरह के इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो आज का अपना फैक्ट, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि पित्ताशय को यदि बॉडी से निकाल दिया जाए तो बॉडी के ऊपर क्या लक्षण आ सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि पित्ताशय का काम क्या है, सिर्फ लीवर के द्वारा बनाए गए पित्त रस का स्टोर करना, यानी बाइल जूस का स्टोर करना। अगर ये स्टोर नहीं करेगा तो ये बाइल जूस लगातार क्या होगा, छोटी आंत के अंदर बहता चला जाएगा, और एक टाइम अपने भोजन करेंगे तो इसको न्यूट्रल नहीं कर पाएगा। और न्यूट्रल नहीं कर पाएंगे तो जो भी अपने सब्सटेंस खा रहे हैं, आलू कुलचा, बर्गर, डोसा, बादाम, कुछ भी आप लोग खा रहे हो, तो वो अपने क्या है, अंग नहीं लगने वाला, अपने किसी काम का नहीं है, उसका डाइजेशन सिस्टम जो है, उसका पाचन जो है, वो पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। तो आई होप सो आपको फैक्ट समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए आपका ये फैक्ट रहेगा। थैंक यू।